बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के चलते जहां एक ओर भाजपा नेताओं के दौरे प्रारंभ हो चुके हैं, इसी के तहत आज नेपानगर विधानसभा के ग्राम दरियापुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा का आयोजन किया गया, जहां पुलिस द्वारा मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका जा रहा था, वही बदसलूकी भी की जा रही थी। वही कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाषण का प्रारंभ किया तो वही कांग्रेस और कमलनाथ को कोसते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के साथ इसलिए था कि उन्होंने विकास की बात की थी, किंतु विकास होना ना देख में जनता की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गया। वही कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को राजनीति में बल्कि फिल्मों में हो चाहिए था, यह जोड़ी तो सुपरहिट है। वही कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि मैं इस माटी को, नंद कुमार सिंह चौहान इस माटी के हैं, सुमित्रा कास्टेकर इस मिट्टी की हैं, किंतु कमलनाथ किसी माटी के हैं। इन्हें आज मध्य प्रदेश की चिंता हो रही है, जब चुनाव आए हैं सरकार बचानी है इसलिए सोयाबीन की खेती में पनहुच रहे हैं, किंतु नेपानगर की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वही कहा कि बचपन में हमें एक बात सिखाई जाती थी, झूठ बोले कौआ काटे काले कोयन से डरो, और मैं वह काला कौआ हूँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो झूठ बोलने पर काटता है। वही सुमित्रा कास्टेकर को उपचुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने के लिए नेपानगर की जनता से आश्वासन लिया। वही कल होने वाली कमलनाथ की सभा को लेकर भी कहा कि कमलनाथ नेपा आ रहे हैं, इनका स्वागत जरूर करना, किंतु 3 नवंबर को बोरिया बिस्तर बांधकर इन्हें रवाना भी करवाना है, यह याद रखना। वही मंच पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, एक ही कुर्सी पर दो दो लोग बैठे दिखाई दिए। वही मंच पर भेदभाव भी देखने को मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए VIP कुर्सी लगी थी किंतु सभी नेताओं के लिए साधारण कुर्सियों का इंतजार किया गया था। सभी में भी जहां 100 से अधिक जनता एकत्रित नहीं हो सकती है, वहीं यहां करीब 4 से 5 हजार जनता सभा में शामिल हुई, जिन्होंने ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही किसी प्रकार से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। पुलिस भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि मीडिया से ही बदसलूकी कर रही थी और कवरेज करने से रोक रही थी पुलिस। सिंधिया परिवार बुरहानपुर जवळ बुरहानपुर सोबत एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, रिश्ता आहे तो परिवार चा रिश्ता आहे, तरी रक्त रिश्ता आहे माझ्या भाई हो बहन। महाराष्ट्राच्या बॉर्डर समीप माझ्या क्षेत्र आहे, मराठा साम्राज्यचा एक अखंड भाग होता आणि आता पणी इथे शेतकऱ्यांचा, आदिवासी माणूसचा, एक एक माणूसचा त्याग तपस्या आणि बलिदान जवळ निमाड क्षेत्राचा झंडा उचलून तुम्ही सगळं परछम लहरानाचा कार्य करतात माझा भाऊ। असं प्रगती की लकीर तो छोड़ दो, लकीर तो खींची कमलनाथ और क्या जोड़ी है। प्रदेश खबर न्यूज प्रतिदिन देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।